आपने अपने डिजाइन्स के अंदर कितने ही एक्सपेंसिव फैब्रिक या टेक्सचर्स का यूज किया हो, या फिर आपने एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम अपने डिजाइनिंग के अंदर यूज किया है, अगर आपने परफेक्ट तरीके से लाइटिंग नहीं करी है तो वो आपके डिजाइन को अप्रिशिएट नहीं करेगा। रीजन बीइंग, मान के चलिए कि आपने वहाँ पे एक डेकोरेटिव आइटम रखा हुआ है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे टास्क लाइट का या फिर रिसेस लाइट का यूज नहीं किया जो कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हाईलाइट कर रहा है, तो वहाँ पे उसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो वहाँ पे किस चीज़ का इंपॉर्टेंस आता है कि आपने परफेक्ट तरीके से लाइटिंग को बैलेंस करके रखा हो। नाउ लाइटिंग इज ऑल अबाउट लेयर्स, कि लेयर्स के अंदर आपको कैसे उसको एडजस्ट करना है। अभी बात आती है लेयर्स की, तो लेयर के अंदर क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइटिंग्स को चूज करना पड़ेगा। अभी वहाँ पे दो चीज़ें आपकी वर्किंग के अंदर आता है कि एक आपने नेचुरल लाइट का यूज़ करना है, एक आपने आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करना है। तो क्या होता है आर्टिफिशियल लाइट्स के, फिर कितने टाइप्स होते हैं, लाइट आपके एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर क्या इम्पेक्ट लेकर के आती है, या फिर लाइट आपको क्या फील करा रही है, वो सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक कंप्लीट डिज़ाइन के अंदर। सो अगर आप उन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि कैसे आपको लाइट का यूज़ करना है, देन डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर कलर के बाद लाइटिंग का एक वाइटल रोल है। रीजन बीइंग, आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ तब देख सकते हैं जब आपने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लाइटिंग को बैलेंस करके रखा हो। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, देन हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इन इंटीरियर डिज़ाइन, लाइट रेफर टू द यूज ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज टू एनहांस द विजुअल अपीयर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्पेस। लाइट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग द मूड, एम्बियंस एंड एटमोस्फेयर ऑफ अ रूम, एंड कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हाउ वी परसीव एंड एक्सपीरियंस स्पेस। दैट मीन्स कि आप एक स्पेस को किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, उसमें डेप्थ को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर लाइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ के साथ में वो आपके मूड्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे अगर आपने अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर यहाँ पे वार्म लाइट का यूज किया है तो वो एक वार्म फील आपको प्रोवाइड करेगी, एक कोजी फील आपको प्रोवाइड करेगी, एक रिलैक्सिंग फील आपको प्रोवाइड करेगी। वहीं पर अगर आपने कूलर लाइट्स का यूज किया है तो वो वहाँ पे किस तरीके के मूड को क्रिएट करती है, एक एनर्जी वाले मूड को क्रिएट करेगी, जो कि ऑफिसेस वगैरह के अंदर आपने देखा होगा बिल्कुल ब्राइट लाइट्स का यूज़ किया जाता है। वहीं पे इंटीरियर्स के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे लिविंग रूम के अंदर, बेडरूम्स के अंदर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वार्म वाइट्स लाइट का, या फिर आपने वार्मर टोन्स का यूज़ करते हैं, इस तरीके की लाइट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारे मूड को इम्पेक्ट दे रहा है। जहाँ पर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर आपको वर्क करना है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग कूलर टोन्स को प्रेफर करते हैं। और वहीं पे अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो कि रिलैक्सिंग हो, और वहाँ पे आप एक मूड क्रिएट करना चाहते हैं कोजी वाइब का, रिलैक्सिंग वाइब का, तो वहाँ पे हम लोग किस टोन का यूज़ करते हैं, हम लोग वार्म टोन का यूज़ करते हैं। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि आप लाइट को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लाइट को डिवाइड करेंगे तो आप इसको नेचुरल लाइट एंड यहाँ पे आप उसको किस में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइट के अंदर। नेचुरल लाइट वो लाइट होती है जो आपके डायरेक्टली सन से या फिर एनवायरनमेंट से क्रिएट होती है। तो डे टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग अवॉइड करते हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, जैसे LED हो गया, जैसे आपका स्ट्रिप लाइट हो गया, आपका लैम्प लाइट हो गया, आपका रिसेस लाइट हो गया, इन सभी लाइटिंग को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि सन और एनवायरनमेंट हमें इतना सफिशियंट लाइट प्रोवाइड कर देता है कि हम सारी चीज़ों को ईजिली देख पाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इवनिंग के अंदर या फिर नाइट के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। मतलब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, किस पर्पस से आप एक लाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग किस पे वर्क करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल लाइट पे वर्क करते हैं। क्लियर? डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इसे। नेचुरल लाइट, द लाइट विच कम फ्रॉम द सन कैन बी यूज टू ब्रिंग वार्मथ एंड अ सेंस ऑफ ओपननेस टू अ रूम। डिजाइनर कैन यूज वेरियस टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट, सच एज प्लेसिंग विंडोज, स्ट्रेटेजिकली यूज्ड लाइट कलर्स और रिफ्लेक्टिव सरफेस, एंड अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शंस दैट ब्लॉक्स लाइट। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे नेचुरल लाइट रहेगी। जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ज़्यादातर यूज़ करना है इंटीरियर के स्पेस में, वो कम्प्लीटली आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का स्पेस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। अगर उनको ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए, वो एक्सटीरियर का व्यू ज़्यादा देखना चाहते हैं,
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादातर यूज़ करेंगे किन चीज़ों का, आप विंडोज़ का यूज़ करेंगे या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, इस तरीके से अपने इंटीरियर के एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे कि आपकी नेचुरल लाइट ज़्यादा यहाँ पे आपके रूम में एंटर कर पा रही है, तो वहाँ पे आपके विंडोज़ का काफ़ी रोल होता है। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे ज़्यादातर विंडोज़ का यूज़ करते हो तो एक्सटीरियर का व्यू तो साथ साथ में दिखता ही है, इसी के साथ साथ में जो लाइटिंग आपकी एंटर करती है ना वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मूड्स क्रिएट करेगी। जैसे मॉर्निंग है तो सनराइज़ का टाइम है, या फिर इवनिंग में सनसेट का टाइम है तो एक वार्म्थ फील दे रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक कूलर टोन मिलता है, तो वहाँ पे क्या होगा आपके डिफरेंट डिफरेंट टोन्स क्रिएट होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल लाइट के बारे में, तो आर्टिफिशियल लाइट के अंदर कम्प्लीटली वो कम्प्लीट डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने किस तरीके से लाइट का यूज़ किया है। आपने वार्म लाइट का यूज़ किया है, फिर आपने कूलर लाइट का यूज़ किया है, आपने कलर्स के ऊपर भी ध्यान देना है क्योंकि लाइट का इम्पैक्ट भी आता है, लेकिन किस कलर का लाइट आपने यूज़ किया वो भी काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट देती है। जैसे आपने मान के चलिए कि आपने एक ऐसा इंटीरियर को डिज़ाइन किया जो कि डार्क है, उसके जो वॉल्स आपने क्रिएट किए हुए हैं या फिर वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, जो वहाँ पे फैब्रिक्स यूज़ किया हुआ है, या फिर सीलिंग हो गया आपका या फिर फ्लोरिंग हो गया, अगर वो डार्क थीम के अंदर है तो आपको ज़्यादातर क्या ट्राई करना है कि आप वहाँ पर लाइटर टोन को यूज़ करें। वार्मर के अंदर ही आपको यूज़ करना है लेकिन लाइटर टोन यूज़ करना है, वो क्या करेगा एक वार्म थाड करेगा। वहीं पे एक कंप्लीट आपने इंटीरियर डिज़ाइन किया लेकिन वहाँ पे क्या है ब्राइटर कलर्स का यूज़ किया हुआ है, तो अगर आप लो इंटेंसिटी की लाइट्स को भी पिक करते हैं तो भी वो सफिशियंट होती है किसी भी इंटीरियर को इल्यूमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो दो तरीके से लाइट को डिवाइड करेंगे, एक आपका नेचुरल लाइट रहेगा जो कि सन और एनवायरनमेंट की तरफ से आपको लाइटिंग प्रोवाइड करता है, एक आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट रहेगा जो कि आपको आपको खुद से प्लेस करना पड़ेगा। अभी नेचुरल लाइट्स के अंदर तो आपके पास एक ही सोर्स है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे मैं इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊँगी, ये यहाँ पे मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया। एक आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट रहेगा, एक आपका यहाँ पे टास्क लाइट रहेगा, एक आपका यहाँ पे रिसेस लाइट रहेगा और एक आपका यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट रहेगा। नाउ इन चारों ही लाइट का ना पर्पज़ है, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी लाइट को आप यूज़ कर रहे हैं ना उस लाइट का कोई ना कोई पर्पज़ होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, एम्बिएंट लाइट के बारे में, तो आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ये जो लाइट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इसका काम क्या है, इसका काम यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेस को इल्यूमिनेट करना ताकि आप सभी चीज़ों को ईजिली देख पाएँ, इसका यहाँ पे कोई और रोल नहीं है। तो एम्बिएंट लाइट आपकी वो लाइट होती है जो आपके स्पेस को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज़ जाती है। देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आती है टास्क लाइटिंग। जैसा कि यहाँ पे नेम के अंदर आप देख पा रहे हैं टास्क लाइटिंग का पर्पस क्या होगा, एक पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे फुलफिल करना। जैसे यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया हुआ है, एक स्टडी टेबल का एग्जांपल लिया हुआ है, तो इस लाइट को सिर्फ और सिर्फ यूज़ किस लिए किया है कि कोई इंसान आ रहा है वहाँ पे, वो बैठ रहा है और पढ़ रहा है, तो वहाँ पे टास्क क्या रहेगा सिर्फ उस स्पेस को इल्यूमिनेट करना जहाँ पे वो चीज़ पढ़ी जा रही है। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए कि हम एक किचन का एग्जांपल लेते हैं, तो किचन के अंदर आपने कोई वेजिटेबल कट करना है या फिर कोई फ्रूट्स कट करना है, तो वहाँ पर हम सिर्फ किचन के जो काउंटर होते हैं उसके टॉप पर हम एक लाइट को प्लेस कर देंगे। नाउ उसका काम उसमें इल्यूमिनेशन क्रिएट करना नहीं है, वो सिर्फ उस पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है कि आपको वहाँ पर वेजिटेबल्स को या फिर आपके फ्रूट्स को कट करना है या फिर आप कुकिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपने यूज़ कर लिया। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे ऑफिसेज डेस्क होती हैं तो वहाँ पे भी वर्किंग के लिए एक अलग से लाइट को रखा हुआ होता है, तो उसका काम क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ स्पेस को यहाँ पे इल्यूमिनेट करना। ठीक है, तो जैसा कि नाम यहाँ पे है टास्क लाइटिंग, काम भी इसका बिल्कुल सेम है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। देन नंबर थर्ड यहाँ पर आती है आपकी रिसेस्ड लाइट। रिसेस्ड लाइट का यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कॉम्पोनेंट एक इंटीरियर का डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर कौन सा लाइट यूज़ किया हुआ है, इस लाइट को टेक्निकल टर्म में IES लाइट बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, रिसेस्ड लाइट। अभी इसके भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपने किस एरिया को डिज़ाइन करना है, किस पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पे रिसेस लाइट एक
एक कंपोनेंट को अगर आपको हाईलाइट करने के लिए यूज करना है तो हम यहाँ पे देख लीजिए ये आपके पास जो मिलता है ना, ये आपका यहाँ पे बीम एंगल होता है, ठीक है। तो इस एंगल के ऊपर भी कम्प्लीटली वो चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्टर बीम को रखा हुआ है तो यहाँ पे आपने किस पर्पज से यूज करना है, एक कॉम्पोनेंट को हाईलाइट करने के लिए। वहीं पर इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपका डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के ऊपर यहाँ पे लाइट्स का यूज किया हुआ है, पेंडेंट लाइट्स का यूज किया हुआ है, तो वहाँ पे उसका स्पेस छोटा नहीं है, काफी बड़ा स्पेस है। तो उस सिनेरियो के अंदर आपका जो बीम एंगल होगा वो काफी ज्यादा वाइडर रहेगा एज कंपेयर इसके, तो वो भी यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने किस पर्पज से उस लाइट का यूज किया है, ठीक है। तो रिसेस लाइट के भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड लास्टली यहाँ पर हमारा आता है डेकोरेटिव लाइटिंग। डेकोरेटिव लाइटिंग का यहाँ पे यूज सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जाता है कि आपने एक स्पेस को डेकोरेटिव बनाना है, वो आपको विजुअली कैसा दिख रहा है एक स्पेस, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेकोरेटिव लाइटिंग का यूज करते हैं। ना तो यहाँ पे इसका काम होगा किसी भी स्पेस को यहाँ पे इल्यूमिनेट करना, ना इसका यहाँ पे काम होगा कि आपको कोई टास्क को परफॉर्म करना है, ना हम किसी यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हाईलाइट के अंदर लेके आना चाहते हैं। उसका काम ही सिर्फ ये कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डेकोरेटिव पर्पस से यूज कर रहे हैं ताकि हमारी ओवरऑल ब्यूटी जो है इंटीरियर की वो एनहांस हो, ठीक है। तो लाइट के यहाँ पे चार टाइप रहेंगे, अभी इन चारों टाइप को आपको यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक इंटीरियर को डिज़ाइन किया और आपने एक ही तरीके की लाइट को यूज़ किया, वहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट का भी यूज़ करना रहेगा, रिसेस लाइट का भी यूज़ करना रहेगा, टास्क लाइट का भी यूज़ करना रहेगा, और आपने डेकोरेटिव पर्पज से डेकोरेटिव लाइटिंग का भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको यूज़ इन सभी लाइटिंग का करना है। आप इन सभी एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लाइट का यूज़ किया हुआ है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है अगर आप एक लाइट को चूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, जैसे पर्पस है, स्टाइल है, ब्राइटनेस है, कलर टेम्परेचर है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड साइज एंड प्लेसमेंट। अभी मैं आपको वन बाय वन करके इनकी मतलब बताती हूँ कि क्या इनका मीनिंग रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, नंबर वन आपका यहाँ पे रहता है पर्पस। पर्पस यहाँ पे आपको क्लियर होगा, जैसे अभी हम लोग बात करके आए कि यहाँ पे आप टास्क लाइटिंग का कब यूज़ करेंगे, टास्क लाइटिंग का यूज़ आपको कब करना है आपको क्लियर होना चाहिए। स्टडी टेबल के ऊपर आप कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर आप यहाँ पे जो आपकी डेस्क होती है, वर्किंग डेस्क होती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, किचन काउंटर के अंदर आप कर सकते हैं, या फिर आपने एक लिविंग के अंदर होल रखा, लिविंग होल है वहाँ पे आपने सोफा के पास लैंप रखा हुआ है तो रीडिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसका टास्क फिक्स है। यहाँ पे रिसेस लाइट का यूज़ आप कब करेंगे ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइट के पर्पस होते हैं, तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस से आप यहाँ पे एक लाइट को पिक कर रहे हैं। देन नंबर टू आपका यहाँ पे आता है स्टाइल। स्टाइल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर थीम के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आप जिस तरीके की लाइट को पिक कर रहे हैं वो आपकी कंप्लीट थीम के साथ मैच करनी चाहिए, अदरवाइज उसका जो इम्पैक्ट होता है ना पूरा यहाँ पे आपका ख़राब हो जाने वाला है, वो इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा जो इम्पैक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं। एम्बिएंट लाइट, टास्क लाइट या फिर रिसेस लाइट इसमें वर्किंग के अंदर नहीं आती है। स्टाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको वर्क करना होता है डेकोरेटिव लाइटिंग के अंदर कि एक लाइट है उसका फिक्सचर कैसा है, उसका शेप कैसा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी कि आपने क्या थीम पिक किया हुआ है, थीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट के फिक्सचर्स को यहाँ पे पिक करना रहेगा। देन नंबर थर्ड आपकी यहाँ पे ब्राइटनेस होती है। अभी ब्राइटनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके ऊपर के दोनों पॉइंट्स हैं। नाउ ब्राइटनेस का क्या मीनिंग है, अगर आपने एक स्मॉल सा स्पेस रखा हुआ है और वहाँ पे आपने एक ऐसा लाइट को यूज़ कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो वो क्या करेगा, वो आपके स्पेस को अच्छा नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होगी, तो उसको हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। जैसे एक लिविंग आप डिज़ाइन कर रहे हैं, लिविंग आप मान के चलिए, फिर बेडरूम का एग्जाम्पल ले लीजिए, बेडरूम आपने रखा, बेडरूम के अंदर आप क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपको उन लाइट्स को चूज़ करना है जिनका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मिड टोन का ब्राइटनेस आपको पड़ेगा ताकि वहां पे एक वार्म्थ क्रिएट हो। तो आपका वहां पे पर्पस क्लियर होना चाहिए कि किस चीज के लिए या फिर किस स्पेस के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, वो आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए। तो ब्राइटनेस भी उसी का एक यहां पे एक फैक्टर रहने वाला है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे कलर टेम्परेचर रहेगा।
कलर टेम्परेचर जस्ट मैंने भी आपको समझाया था कि वार्मर टोन आपको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, किस तरीके का वो टोन क्रिएट करके देती है, वार्मथ क्रिएट करती है। इसके अलावा ब्राइटर टोन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कूलर टोन्स आप पिक कर रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, वहाँ पे वार्मथ टोन नहीं प्रोवाइड कर रही, आपको कूलर टोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कूलर टोन के साथ साथ में आपको एक एनर्जी वाला वहाँ पे वाइब प्रोवाइड करेगी, वहीं पे वार्म टोन आपको क्या प्रोवाइड करेगी, आपको वहाँ पे एक रिलैक्सेशन वाला वाइब प्रोवाइड करेगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अभी कलर टेम्परेचर को बिल्कुल डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक आपने लाइट को प्लेस किया वो लाइट आपका कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट अगर आप चाहते हैं कि लो कॉस्ट के अंदर आपने एक ब्राइटर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि आपका कम यहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो एलईडी की जो लाइट एलईडी लाइट्स जो होती है वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो लो कॉस्ट के अंदर मिल जाती हैं आपको। सेकेंड, आपकी जो एनर्जी कंजप्शन होती है वो उनकी बहुत लो होती है, उनका जो लाइफ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एलईडी लाइट इस पर्पस के अंदर सबसे बेस्ट होती है। फिर बाकी आपका थीम के साथ मैच करना ही चाहिए वो चीज़, तो उस केस में आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट, साइज एंड प्लेसमेंट। एक छोटे स्पेस के अंदर बहुत बड़ा लाइट यूज़ कर लिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लेसमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेड है, बेड के बिल्कुल टॉप पे आपने लाइट लगा दी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको प्लेसमेंट कैसा रखना है, साइज़ कैसा रखना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारी बात आती है कि लाइट एक सीन को कैसे अफेक्ट करती है। देखिए, एक लाइट है, लाइट सीन को कैसे अफेक्ट कर रहा है और सीन के अंदर लाइट का क्या इम्पेक्ट आ रहा है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं कि लाइट आपके सीन को किस तरीके से अफेक्ट करती है। नंबर वन पॉइंट आपका यहाँ पर रहता है मूड एंड एम्बियंस। लाइट आपके मूड को किस तरीके से अफेक्ट करता है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एक बहुत ही वाइटल रोल होता है। जैसे हर एक कलर का ना अपना अपना मूड होता है, जैसे आपने रेड कलर देखा तो आपको वहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ पे एक वार्मथ फील होती है, आपको वहाँ पे एक एनर्जी का वाइब फील होता है। वहीं पे अगर आप कूलर टोन्स को देखते हैं, आपने ब्लू कलर देखा, आपने ग्रीन कलर देखा, आपने पर्पल कलर देखा, तो वहाँ पे वो एक कूलर टोन है तो एक कूल वाइब प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे इसमें भी चीज़ें वर्क करती हैं कि आपने रेड कलर के ऊपर या अगर आपने वॉल रखा हुआ है उस पर आपने पैटर्न या फिर टेक्स्चर को या फिर कलर को रेड कलर पिक किया है तो वहाँ आप अवॉइड करेंगे ब्लू लाइट्स को यूज़ करना या फिर कूलर लाइट्स को यूज़ करना। वार्म कलर के साथ आपको वार्म कलर का लाइट ही पिक करना है। सिमिलरली अगर आपने अपने इंटीरियर्स के अंदर स्पेसेस के अंदर यहाँ पे कूलर टोन्स को यूज़ किया है तो आप यहाँ पे कूलर टोन का ही लाइट को यूज़ करेंगे ताकि वो वहाँ पे एक बैलेंस आपको क्रिएट करके दें, क्लियर। देन हाइलाइटिंग फीचर्स के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टास्क लाइटिंग का या फिर रिसेस लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। देन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे आता है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन का मीनिंग क्या रहेगा, आपने एक लाइट को यहाँ पे ऐड किया, लाइट इल्यूमिनेट करने के साथ साथ शेडोज़ को भी क्रिएट कर रहा है ना, जहाँ पे बात आ जाती है शेडोज़ की तो शेडोज़ ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, एक डेप्थ को क्रिएट कर देता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इंटरेस्टिंग शेडोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं आईएस लाइट का यूज़ करके या फिर डीसीएस लाइट का यूज़ करके, क्लियर। तो वहाँ पे क्या रहेंगे, आपकी डेप्थ को क्रिएट करेगा कलर परसेप्शन, कलर के अंदर आपने क्या कलर पिक किया हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली आपकी वर्किंग में आती है। फिर टास्क लाइटिंग रहता है और लास्टली आपको यहाँ पे रहता है इमोशनल रिस्पॉन्स, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर को लाइट अफेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि लाइट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि कलर आपने जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि रेड कलर के या फिर आपने कूलर टोन्स को यूज़ किया वॉल्स के अंदर तो वहाँ पे आपको कूलर लाइट्स को यूज़ करना है। वहीं पे अगर आपने वार्मर कलर के कलर्स को पिक किया है वहीं पे आपको वार्मर टोन की लाइट्स को ही पिक करना है, तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, ना सिर्फ लाइट उसको अफेक्ट कर रहा है साथ के साथ में किस एरिया के अंदर वो लाइट वहाँ पे ऐड किया जा रहा है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्स्चर क्या है, वो किस तरीके से वाइब्स को प्रोवाइड करता है, वो किस तरह की वाइब्स को आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो भी चीज़ यहाँ पे आपकी वर्किंग के अंदर आती है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर है जो लाइट को अफेक्ट करता है, उसमें आपकी नेचुरल लाइट रहता है, आपका कलर उस सरफेस का, उस पर्टिकुलर सरफेस का आपका कलर यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, ठीक है। लाइटिंग फिक्स्चर्स, लाइटिंग का टाइप कैसा है, क्लियर। जैसे एक लाइट आपने रखा हुआ है वो एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर, एक स्फेरिकल पैटर्न के अंदर है तो वहाँ पे वो एक अलग वाइब प्रोवाइड करेगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न है तो एक अलग वाइब प्रोवाइड करेगा, तो लाइटिंग फिक्स्चर्स आपके यहाँ पे रहेंगे। लाइट सोर्सेज रहते हैं, लाइट कंट्रोल रहता है। लाइट कंट्रोल के अंदर क्या आता है, ब्राइटनेस कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या कलर है, वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो ये
वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके लाइट्स को अफेक्ट करते हैं, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि लाइट आपकी अफेक्ट कर रही है। लाइट को अफेक्ट करना और लाइट अफेक्ट कर रही है, वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस रहेगा। क्लियर? तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि कलर टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक पिक्चर रखा हुआ है जिसके अंदर यहाँ से लेकर के 1000 से लेकर के, और अगर आप यहाँ तक जाते तो आपको 10,000 केल्विन तक की लाइट्स मिली हुई हैं। अभी आपको पता है कि आपने एक ऑफिस डिज़ाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके की लाइटिंग को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वार्मथ क्रिएट कर रहा है, एक रिलैक्सिंग वाइब प्रोवाइड कर रहा है। आप ऑफिसेस के लिए इस तरीके की कूलर टोन्स पिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, 1000 से लेकर के आपका 6500 और यहाँ से लेकर के 10,000, ये आपके ना यहाँ पे डिवाइडेड होते हैं। ये इन केल्विन्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को या फिर हम टेम्परेचर को डिवाइड कर सकते हैं। 1000 से लेकर के 4000, ये आपकी ना जो वो लाइट है जो कि आपकी कम्प्लीटली जो नेचुरल लाइट होती है ना, 6500 केल्विन के अंदर आपकी नेचुरल लाइट मिलती है। ये आपके यहाँ पे नेचुरल लाइट रहेगा, ठीक है। 10,000 केल्विन के अंदर ये आपका बिल्कुल कूलर टोन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो 1000 है इसके अंदर आपका क्या रहेगा, कम्प्लीटली वार्म टोन रहेगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कि डिवाइड आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 1000 केल्विन से लेकर के आपके 4500 केल्विन तक की जितनी भी लाइट जो आप यूज़ करेंगे, अगर वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर आ रही है, तो वो यहाँ पे किस टाइप का वाइब क्रिएट कर रही है, एक वार्म वाइब क्रिएट कर रही है। वहीं पे अगर आपने 4500 केल्विन से लेकर के आपने यहाँ पे 8000 या फिर 7500 इस केल्विन तक के टेम्परेचर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये एक आपको वो टोन प्रोवाइड करेगी जो कि आपकी ऑफ वाइट कलर होते हैं, ये उस तरीके के टोन्स को प्रोवाइड करती है या फिर नेचुरल टोन को प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आपकी 7500 से लेकर के आपके 10,000 केल्विन तक के जितने भी टेम्परेचर रहेंगे, अगर आपने इस टेम्परेचर के अंदर यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये आपको एक कूलर वाइब प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपकी कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होगी कि आपने क्या टेम्परेचर चूज़ करना है, किस तरीके का आप टोन क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या टेम्परेचर यूज़ किया है, क्लियर। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख लीजिए, ये आपका कूलर टोन एक ब्लू वाइट प्रोवाइड कर रहा है, ब्लू वाइब प्रोवाइड कर रहा है, और वहाँ पे 1000 केल्विन में बिल्कुल येलो कलर का वाइब मिल रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका वार्म वाइब है, वार्म लाइट है, ये आपका नेचुरल वाइट कलर है, और ये आपका कूल वाइट कलर है। वार्म वाइट कलर आपको कोजी वाइब, आपको वार्म्थ वाइब, रिलैक्सिंग, एंड यहाँ पे आपको एक इनवाइटिंग वाइब प्रोवाइड करता है, क्लियर। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेचुरल वाइट के बारे में, तो यहाँ पे ये जो लाइट्स होती है ना, ये वाइब्रेंट होती है, ये एक नेचुरल वाइब प्रोवाइड करेगी आपको, जो कि आपको मिड के अंदर जो हमारा कंप्लीट डे होता है उसमें जो मिड का टाइम रहता है ना, वहाँ पे जिस तरीके का लाइटिंग आपको मिलता है, वो टाइप का लाइटिंग अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप नेचुरल वाइट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कूलर टोन के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्लीन और एक एनर्जी का वाइब मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके का टोन पिक करना है, वो भी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे आपने क्या कलर पिक किया है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितना इंटेंसिटी होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको एक परफेक्ट इंटीरियर को डिज़ाइन करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइट। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे डाउट्स को पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अपने लाइटिंग के सभी टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।